अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फैमिली? दुआ करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो सुबह गुड मॉर्निंग। तो मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और मेरा बेटा जान इधर आओ जान। तो कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल ईद की रमज़ानों की इतनी थकन थी कि मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो इंशाल्लाह मैं अब रोज़ ब्लॉग बनाऊँगी और डालूँगी। थोड़े से घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अल्लाह हाफिज़ तो शुरू करा है हमने। अल्लाह हाफिज़। तो आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। सुबह सुबह मेरी दोनों बेटियाँ आई हुई हैं, एक बरेली वाली बेटी आई हुई है, एक लोनी में करी है तो वो भी आई हुई है। तो घर में भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शोर है, बच्चों के आने से तो शोर हो ही जाता है घर में। हाँ मम्मा, हाँ हाँ मम्मा। तो आज हम बना रहे पराठे। तो मेरी बेटी भी है, रिलेटिव भी है उसकी। तो ये देखो मेरी बिल्लियाँ भी यहाँ भी किचन में बैठी हुई हैं। तो मेरे आलू भी उबल गए हैं और मेरे अजान का बन गया है पिज्जा। ये नमक का वाला पराठा इसका आलू के साथ। हाँ पिज्जा तो बन गए हैं। तो सब लोग खा रहे हैं, नाश्ता तैयार हो गया। अच्छा ये आपका पिज्जा, इसे पिज्जा बहुत पसंद है तो ये पिज्जा बोला जा रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। और ये देखो मेरे बेटे ने एक ही टुकड़ा खाया अभी तक, एक टुकड़ा खाया है इसके। हालांकि मैंने चल रहा, बस खाली दूध दे दो उसको शीशी में भर के, बस वही पीता रहेगा। तो बड़ी मुश्किल से ने एक टुकड़ा खाया और चाय भी इसकी अभी तक ऐसी रखी हुई है। अजान जल्दी से खा लो बेटे, सारा फिनिश करो। देखो मेरे लेट गया, खा भी नहीं रहा सही से। खाओगे नहीं तुम सही से? ठीक से खा लो, बैठ के खाते हैं आराम आराम से, चबा चबा के खाते हैं, फिर तुम मोटे हो जाओगे। ओ चबाना भी नहीं आता आपको तो। अजान ऐसे नहीं चबाते हैं, चबाते हैं ऐसे करके दांतों से बातें दांत। तो अब मेरा बेटा सारी चाय पी रहा है, फिनिश कर देगा माशाल्लाह। और एक ही टुकड़ा खाया है तो जल्दी जल्दी माशाल्लाह। अल्लाह शुक्र कर अब नहीं होया। तो माशाल्लाह मेरे बेटे ने सारी चाय फिनिश कर दी। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह शुक्र। देखो अल्लाह शुक्र, ऐसे ऐसे हाथ रखो। अल्लाह शुक्र। ये दिखाओ। और अब हो गई ईशा की अजान, तो हमने नमाज वमाज पढ़ ली। तो अब हो गई शाम, तो हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी और लौकी का रायता। हमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, लाइवा लेटी हुई हैं, शिफा मेरी बेटी बैठी हुई है बेड पे, अन्नू जा रही हैं बाहर कपड़े रखने। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता मेरी कुछ भी, इतना मेरे परेशान करता है बहुत। देखो मेरा जान सो रहा है, तो ये सिम्भा बैठा हुआ है हमारा यहाँ पर। तो आज मैंने बनाई है लोहे की कढ़ाई में मैंने अरबी बनाई है, सिर्फ हरी मिर्ची डाली इसमें अजवाइन से भगार के और कुछ नहीं करता। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बड़ी भाभी वो बहुत बनाती थी तो फिर मुझे भी अच्छी लगती है ये। और हमने बनाए हैं चावल और बनाए हमने बनाया है लौकी का रायता। तो अभी खाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा रह गया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा अरबी थोड़ी देर से गलती है, तो देर से गलती है थोड़ी, तो थोड़ा टाइम लगा इसमें। तो अरबी तैयार हो गई हमारी, तो ये निकाल ली है अरबी खाने। बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं खाने जा रही हूँ आम। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट आम है। आमों के लिए तो मैं हाँ क्या बताऊँ, आम तो बस बहुत ही अच्छा। ये देखो लाइबा का खाना, लाइबा ने बड़ा प्लेट सजा के अपना खाना खा रहे हैं। और ये देखो खाना स्टार्ट है और मेरा आम भी आ गया है। ये मैं रोटी के साथ खाऊंगी आम, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा आम खाना। ओह नो, मेरा आम मत खाओ भाई, ये जंगली लड़की है, मेरा आम काट के लाई सब खा गई। और ये देखो ये देखो ये भाई बहन अपनी बहन को खिला रहा, उसके मुँह में डाल, ये शिफा को खिला दिया। बताओ मैं क्या इसमें कद्दू खाऊंगी क्या मैं? चलो ये लोग जा रहे हैं अब खाना खाने, अब सबर नहीं हो रहा, भूख बहुत तेज लग रही है। तो इन्होंने मेरा आम भी खा लिया, इन्होंने मैं काट के लाई थी इतनी मेहनत से। तो ठीक है अब हम खाना खाने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।